बायोलॉजी की बुक्स में टोटल चैप्टर्स की तादाद 14 है। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बायोलॉजी का है उसका नेम है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बायोलॉजी एंड इट्स सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अब दो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बायोलॉजी क्या चीज है एंड इट्स सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होती है। अब हम सबसे पहले बायोलॉजी को देखते हैं, बायोलॉजी क्या चीज है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी जुबान का लफ्ज है, जो कि दो लफ्जों पर मुश्तमिल है। एक लफ्ज को हम बायोस कहते हैं और दूसरे लफ्ज को हम लोगोस कहते हैं। जो बायोस होता है उसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो लोगोस होता है इसका मतलब होता है रीजनिंग, जांच पड़ताल करना, स्टडी करना उसको। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे बायोलॉजी को कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमें जिंदा जानदारों के मुताले को बताती है, उसको हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के मुताले को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। अब ये लफ्ज सिंपल हैं, इनको समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है और उन्होंने कुछ रिजल्ट को अनाउंस किया है जिसमें वो बताते हैं कि जो बायोलॉजी है वो लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, के नेचर में फितरत में लिविंग पार्ट कौन सा है। द इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑन लिविंग थिंग्स, के जो असरात पड़ते हैं जिंदा जानदारों के ऊपर बेजान चीजों के, या जिंदा जानदारों का बेजान के साथ क्या ताल्लुक होता है। और दूसरी चीज हाउ द लाइफ वर्क्स, कि जिंदगी किस तरह काम करती है। तो ये कुछ बातें हैं जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं, जो हम बायोलॉजी के जरिए लाइफ को स्टडी करते हुए जांचते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि लाइफ क्या चीज होती है। लाइफ को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन लाइफ, कि लाइफ को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता। मैनी फिलोसोफर एंड थियोलॉजियंस, थियोलॉजियंस का मतलब होता है मजहबी पेशवा, थियोलॉजियंस का मतलब होता है मजहबी पेशवा। इन्होंने कुछ सवाल जिंदगी के बारे में छोड़े हैं कि व्हाट इज लाइफ, कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मतलब क्या है, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, कि जिंदगी यहां पर क्यों है। तो इसको हम अगर डिफाइन करें और इन सवालों को समझने की कोशिश करें कि इनके जवाब क्या होंगे, तो हम एक लाइफ को डिफाइन करते हैं। लाइफ क्या चीज होती है, लाइफ इज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसको देखें तो हमने जुमला बोला है लाइफ इज द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, कि जिंदगी एक खसूसियात का मजमुआ है। अब वो कौन सी खसूसियात हैं इसको हमने देखना है, दैट डिस्टिंग्विश, जो फर्क करती है, मुवाजना करती है लिविंग थिंग्स को विद द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या डेड ऑर्गेनिज्म को। अब जिंदा जानदारों में ऐसी कौन सी खसूसियात है जो फर्क कर सकती है बेजान चीजों में, इस किस्म के मुताले को हम लाइफ का नाम देते हैं। अब हमने यहां पर एक सवाल को जन्म दिया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब हमें ये बात बतानी जरूरी होगी कि आया कि वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो वाकई ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेजान चीजों से, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर देती है, यानी कि फर्क कर देती है। तो सबसे पहले हमने इनको देखना है, सेट ऑफ करेक्टर्स को, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार होंगे सबसे पहला उनका करैक्टर होगा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होते हैं बड़े ही मुनज्जम होंगे, कोई सिंपल नहीं होंगे, एक खास किस्म के स्ट्रक्चर से मिलकर बने होंगे।
और अगली बात बताई जा रही है एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज या बॉडी, और वो पचीता अशकाल होंगी उनकी, को उनको समझना इतना आसान नहीं होगा। अब ये जुमला जो है ये हमें बताता है कि ये पहली करैक्टर है जो जिंदा जानदारों को बेजान से अलहदा करती है कि हाईली ऑर्गेनाइज है, बहुत ही मुनज्जम है, यानी कि इनमें ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा, और ये हाईली ऑर्गेनाइज बड़े मुनज्जम होंगे और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही पचीदा होगा और इनको समझना कोई इतना आसान ना होगा। अब दूसरी बात ये बताई जा रही है कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि जो भी जानदार इस कायनात में मौजूद है वो बेसिकली एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम ये बात करें कि वन और मोर सेल, तो वन सेल का मतलब है का एक सेल वाला जानवर, तो हम अमीबा की एग्जांपल दे सकते हैं, पैरामिशियम की एग्जांपल दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं मोर सेल, इसका मतलब कई सेल जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर रहे होंगे उस जानदार के अंदर, तो इसमें हम अपनी ह्यूमंस की एग्जांपल भी दे सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो लाखों हजारों सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये दो करैक्टर हैं, इससे हमें आहिस्ता समझ आ रही है कि वाकई ही बेजान चीजों में ये बातें नहीं होती, ये खसूसियात नहीं होती जो कि जिंदा जानदारों में होती है। तीसरी बात ये बताई जा रही है कैन कॉन्टेन जेनेटिक मटीरियल, यानी कि इनके पास एक वरासती मवाद होता है। अब वरासती मवाद का मतलब ये होता है कि इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स हर एक जानदार में कांस्टेंट होते हैं। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। अब ये क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए एक वरासती मादा होता है विच फॉर्म करेक्टर, जो खसूसियात बनाता है, मतलब कि जो इंसान का अगली नस्ल पैदा होगी वो इंसान जैसे ही होगी, पौधे की जो अगली नस्ल होगी, जो सा दरख्त होगा वो अपने ही जैसा पौधा पैदा करेगा, जानवर जो भी दुनिया में होगा वो अपनी नस्ल जो भी आगे बढ़ाएगा वो उसी जैसी ही होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कैन कॉन्टेन जेनेटिक मटीरियल, कि इनके पास वरासती मवाद होता है जो ये अगली नस्ल में क्या करते हैं, उन खसूसियात को मुंतकिल करते हैं। और वो खसूसियात किस शक्ल में आगे ट्रांसफर होती हैं, वो क्रोमोसोम की शक्ल में होती हैं, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नंबर फोर पर जो करैक्टर है कैन गेट एंड यूज एनर्जी, जो भी जिंदा जानदार होगा वो एनर्जी लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब ये एक बेजान चीज है, ये एक पेल, ये एनर्जी ले या ना ले ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर एक जानदार पार्टिकुलरली एक इंसान ही है, अगर वो कुछ नहीं खाएगा, कोई एनर्जी पानी कोई खाना या कोई फ्रूट नहीं लेगा, तो वो कभी भी कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कैन गेट एंड यूज एनर्जी, पहले वो एनर्जी लेगा फिर उसको यूटिलाइज करेगा। अब वो यूटिलाइज किन कामों में करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा, वो अपनी कोई भी रोजमर्रा के काम करेगा, उसमें उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी जो होती है वो अपने इन्वायरमेंट माहौल से हासिल करता है। नंबर फाइव पर कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन, अब एक जिंदा जानदारों के अंदर कई किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें नाम दिया गया है मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये बेसिकली दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, अब एनाबॉलिज्म की एग्जांपल अगर हम दे दें तो वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स अपनी खुराक को हासिल करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज आगे बड़ी यूनिट बनाता है जिसे हम स्टार्च का नाम देते हैं। कैटाबॉलिज्म में कोई चीज टूटती है, बड़ी चीज छोटी चीज में टूटती है, जैसे कि डाइजेशन, हम कोई भी खुराक खाते हैं
वो हमारे जिस्म में जाकर टूटती है और फिर वो हजम होती है और फिर वो जिस्म का हिस्सा बन जाती है और हम उसे मुख्तलिफ कामों में यूटिलाइज करते हैं। तो नंबर फोर पे हमने क्या डिस्कस किया, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन, के ये केमिकल रिएक्शन को चलाते भी हैं और कंट्रोल भी करते हैं। नंबर सिक्स पे है कैन ग्रो इन साइज। अब कैन ग्रो इन साइज का मतलब क्या होता है कि ये बढ़ते भी जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पेन है, ये सारी उम्र इसी तरह रहेगा, ये कभी भी ना कि ये ग्रो करेगा, ना कि ये बढ़ेगा, ना ही ये क्या करेगा, छोटा होगा। लेकिन जो जिंदा जानदार होगा वो एक सेल से मिलकर बनेगा, वो एक सेल से मिलकर बढ़ता 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 वो एक खास अपने एक साइज को हासिल कर लेगा। तो ये सारा कुछ कैसे होता है, ये सारा कुछ एक प्रोसेस के जरिए होता है जिसे हम माइटोसिस का नाम कहते हैं, जिसके अंदर जानवर बढ़ता है, इंसान बढ़ता है एक सेल से, और एक सेल से वो क्या करता है, पूरा एक जानदार, वो पौधा हो, वो जानवर हो, वो इंसान हो, वो पूरा डेवलप हो जाता है। नंबर सेवन पर है रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग देयर ओन टाइप, यानी कि ये अपने बच्चे भी पैदा करेंगे जो बिल्कुल उन्हीं की तरह के होंगे, यानी कि ये अपने बच्चे पैदा करेंगे जो बिल्कुल उन्हीं की टाइप के होंगे। अब मतलब कि जो भी जिंदा जानदार होंगे वही अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, जो बेजान चीजें हैं वो अपने आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकती। इसलिए ये सारी करैक्टर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये डिस्टिंग्विश करें कि जिंदा जानदारों में और बेजान चीजों में क्या फर्क होती है। तो रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को जन्म देंगे देयर ओन टाइम, जो बिल्कुल हूबहू उन जैसे होंगे। इंसान अगर अपने बच्चे को जन्म देगा तो बिल्कुल इंसान जैसा होगा, कोई जानवर अपने बच्चे को पैदा करेगा तो बिल्कुल उसी जानवर जैसा होगा। तो ये करैक्टर सिर्फ जिंदा जानदारों के अंदर हो सकती है, ये मुर्दा या बेजान चीजों के अंदर नहीं हो सकती। नंबर एट पर जो करैक्टर है जो जिंदा जानदारों को बेजान चीजों से अलहदा कर रही है, कैन रिस्पोंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, माहौल में होने वाली चेंजेस को वो क्या करता है, रिस्पोंड करता है। मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है। अब ये स्किन जो है इसमें कई किस्म के रिसेप्टर मौजूद हैं। अब वो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है कि मैं ठंडक को भी महसूस कर सकता हूं, मैं गर्म चीज को भी महसूस कर सकता हूं, मैं केमिकल को भी महसूस कर सकता हूं। तो हर तरह के माहौल में होने वाली चेंजेस को एक जानदार महसूस कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है, जो कि सिर्फ सिर्फ करैक्टर किसकी होती है, वो जिंदा जानदारों की ही कहलाएगी। नंबर नाइन पर मेंटेन देयर होमियोस्टेसिस, ये अपने अंदरूनी माहौल को बरकरार रखेंगे, फेयरली कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, यानी कि ये अपने अंदरूनी माहौल को चेंज नहीं होने देंगे। हम इसमें एग्जांपल अगर ह्यूमंस की ले लें, अगर हम पॉइंट नंबर नाइन में एग्जांपल ह्यूमन की लें तो ह्यूमंस में जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 37 इंसान का अंदरूनी टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है। अब वो किस तरह अपने अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के साथ तरतीब देगा। मिसाल के तौर पर अगर माहौल में टेम्परेचर जो है वो 37 से ऊपर जा रहा है, 40 हो गया है, 45 हो गया है, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा, हमारे जिस्म से हीट निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे अंदरूनी माहौल को क्या करेगा, फेयरली कॉन्स्टेंट रखेगा। अब इसमें होमियोस्टेसिस में अगर हम देखें तो नंबर वन ऑस्मोरेगुलेशन भी आ जाता है, नंबर टू पर थर्मोरेगुलेशन भी आ जाता है, और नंबर थ्री पर एक्सक्रीशन भी आ जाता है। अब ये तीन प्रोसेस हैं जो कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, हमारे अंदरूनी माहौल को बरूनी माहौल के मुताबिक चेंज करते रहते हैं। ठीक हो,